बड़ी खबर सिरसा से है, जहां अभय चौटाला के बयान पर दिग्विजय की तरफ से पलटवार किया गया है और इस बात का जवाब दिग्विजय की तरफ से दिया गया जो अभय चौटाला ने रखी। उन्होंने कहा कि जेजेपी की नहीं इनेलो की चिंता करें, दिग्विजय ने इस बात को कहा। वहीं दिन प्रतिदिन इनेलो का ग्राफ गिर रहा है। ताऊ देवीलाल की फोटो लगाने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अभय चौटाला ने देवीलाल का फोटो हटाने का बयान दिया था। अमित तिवारी हमारे संवाददाता फुलाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या और जानकारी है? जी शुभेंदु, सबसे बड़ी बात यह है कि चाचा भतीजा की जो जुबानी जंग है वो लगातार जारी है। पिछले जो करीब जब सरकार जब जेजेपी का गठन हुआ था उसके बाद भी तल्खियों के बाद गठन हुआ था और अब सरकार बन गई है तो भी तल्खी जारी है और जुबानी जंग जारी है। इसी बीच आज दिग्विजय चौटाला ने सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि अभय सिंह चौटाला को अपनी पार्टी इनेलो का ध्यान रखना चाहिए, जेजेपी की चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए। साथ ही जब अभय सिंह की ओर से यह कहा गया था कि देवीलाल की फोटो नहीं लगानी चाहिए, उतार देनी चाहिए, हटा लेनी चाहिए, तो ऐसे में उनकी तरफ से भी कहा गया है कि वे अपनी चिंता करें और उन्होंने किसकी फोटो लगानी है किसकी नहीं है उनका अपना निर्णय रहेगा। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता रणधीर सिंह सुरजेवाला के ट्वीट निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दो बार की करारी हार से बौखलाहट में है रणदीप सुरजेवाला और इस तरह के वो ट्वीट कर रहे हैं। जी लेकिन ताऊ देवीलाल की फोटो को लेकर अब जिस तरीके से वार पलटवार शुरू हो चुका है लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से और जिस तल्खी के साथ दिग्विजय चौटाला की तरफ से जवाब दिया गया, ये मामला आगे जाएगा। जी निश्चित रूप से जिस प्रकार के बयान है तो वो जुबानी जंग तो लगातार जारी है और भविष्य में भी जारी रह सकती है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला इनेलो में रहते हुए विपक्ष में है और लगातार वे आरोप लगा रहे हैं और जेजेपी सत्ता का हिस्सा बनी हुई है, तो ऐसे में विरोधाभासी बयान लगातार जो है वो दोनों की तरफ से ही जारी रहेंगे और इसके साथ साथ जो जो पारिवारिक जो जंग है वो भी लगातार जारी है और वो देखने को मिल भी रही है। जी बहुत शुक्रिया अमित इस पर जानकारी के लिए। तो यहाँ दिग्विजय चौटाला की तरफ से पलटवार किया गया है। दरअसल इससे पहले अभय चौटाला की तरफ से जो बयान दिया गया था उसमें ताऊ देवीलाल की फोटो लगाने के लिए को लेकर के ये बयान दिया गया था अभय चौटाला की तरफ से, लेकिन उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अभय चौटाला ने देवीलाल का फोटो हटाने का बयान दिया था, लेकिन उसको लेकर के दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि ताऊ देवीलाल की फोटो लगाने के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हर दिन इनेलो का ग्राफ गिर रहा है, जेजेपी की नहीं, आप इनेलो की चिंता करें। यह दिग्विजय चौटाला की तरफ से कहा गया है।